हाय गाइस, वेलकम बैक। एक और संडे, एक और सरकास्ट टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए टेलको एंड टेक के लिए लेके आ गया हूँ। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आए हो तो आज जबरदस्त भर भर के अपडेट्स है। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं पता तो हमारे स्किनली पे हमने 150 से ज्यादा फ्रेश डिजाइन अपलोड कर दिए एंड वो सारे ही नए नए मॉडल्स के लिए अवेलेबल है, फिर भले ही आपका कोई भी फोन हो, जरूर जाके अभी चेकआउट कर लो। एंड लास्ट कुछ फ्यू डेज चल रहे हैं, इसके बाद ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग हमने रखी थी कुछ मंथ्स पहले से, ये अब फाइनली चेंज होने वाली है। तो लास्ट एक 10-12 दिन का है आपके पास टाइम, अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो अभी जाके देख लो। एंड बाय द वे, कुछ डिजाइन्स के ऊपर क्लियरेंस सेल भी चल रही है, जो 59 रुपीज से आप स्किन ट्राई कर सकते हो हमारी, अगर आपको कुछ डिजाइन्स पसंद आते हैं तो। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। एंड अब चलते हैं आज की पहली अपडेट पे, जो कि आती है जियो की तरफ से। जियो बेसिकली मेटा के साथ में काम करके ना एक नया VR हेडसेट के ऊपर काम कर रहा है। हमने एक जियो डाइव के ऊपर वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, वो जियो का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट था, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल के चक्कर में ज्यादा उसमें कुछ था भी नहीं। प्लास्टिक का पूरा बॉडी है, वहां पे फोन यूज करते हैं डिस्प्ले के लिए, एंड जो प्राइसिंग थी वो अराउंड 1200-1300 रुपए के आसपास थी। लेकिन अब मेटा के साथ मिलके एक बहुत ही अच्छे लेवल का अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर फुल डिस्प्लेस वगैरह यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन के यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, अच्छा खासा तगड़ा टेक डाल रहे हैं। एंड ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि एक बजट फ्रेंडली प्राइसिंग, मतलब कि 7-8 हजार रुपए के आसपास में आ सकता है एक नई कैटेगरी को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मेटा का रिलायंस जियो के अंदर 10% का स्टेक है। इन्होंने मिलके व्हाट्सएप के अंदर जो भी सारा ई-कॉमर्स का फंक्शनैलिटी है ये इन्होंने ही मिलके बनाया है। एंड ये मेटा के ऊपर ना काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है जो अगेन VR हेडसेट्स के ऊपर है, लेकिन वो बताऊंगा आपको टेक वाले सेक्शन में। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है एंड ये आती है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। सो बेसिकली वहां पे ना बहुत मेजर रेनफॉल चल रहा है, बहुत हालत थोड़ी सी ज्यादा टाइट चल रही है, तो यहां पे एयरटेल ने कुछ रिलीफ देने के लिए पोस्टपेड एंड प्रीपेड दोनों यूजर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स अनाउंस करे हैं। प्रीपेड वालों के लिए ये है कि अनलिमिटेड कॉल, 1.5 GB डेटा डेली मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट 4 दिनों के लिए। जो एरियाज अफेक्टेड है उनके नाम मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड मेघालय, इन 4 रीजन के अंदर एयरटेल ने बेनिफिट अनाउंस किए हैं। एंड पोस्टपेड वालों के लिए तो जिंदगी में पिसना ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फ्री बेनिफिट कुछ नहीं है, बस ये है कि जो आपकी पेमेंट की डेट थी ना, ड्यू डेट, उसको एक्सटेंड करके 30 डेज आगे बढ़ा दिया है, लेकिन 4 दिन जो फ्री का मजा लेंगे प्रीपेड वाले, ऐसा कुछ बेनिफिट पोस्टपेड में नहीं है। ऑल्सो ये बात नोट करने वाली है कि प्रीपेड यूजर्स को फ्री का माल सिर्फ उसी केस में मिलेगा जिनकी वैलिडिटी या फिर प्लान एक्सपायर हो चुका है एंड अभी कोई करंट रिचार्ज चल नहीं रहा है, तो ही फ्री मिलेगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान है, चल रहा है, तो फ्री बेनिफिट्स को कर दो गुड बाय। अगली अपडेट वी की तरफ से, एंड वी के सीईओ ने ना एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है अपने 5G यूसेज को लेके इंडिया के अंदर। सो उनका ये मेन कंसर्न है भाई, उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जब हम कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ऑफर नहीं कर पा रहे तो ऐसे में हम एक्स्ट्रा पैसा कैसे ले सकते हैं कस्टमर से, इवेंचुअली कस्टमर परेशान हो जाएंगे। कहने का मतलब समझो, अगर करंट सिनेरियो में हम YouTube की 4K वीडियो प्ले कर रहे हैं 4G के ऊपर एंड वो परफेक्टली चल रही है, अब ये प्लान का रिचार्ज जो है वो सस्ता है, लेकिन 5G के नाम पे हमने महंगा रिचार्ज करा लेकिन वो वीडियो फिर भी वैसी ही चल रही है, उसमें क्या ही फर्क आ जाएगा, स्ट्रीमिंग तो कॉन्स्टेंट हो रही है ना। तो यूजर एट द एंड डिसाइड करेगा कि भाई जब मेरा 4G में काम हो रहा है, मैक्सिमम क्वालिटी की वीडियोस में देख पा रहा हूँ या स्ट्रीमिंग कर पा रहा हूँ, तो मैं 4G का रिचार्ज कराऊंगा ना, खामा खाई मैं 5G का पैसा क्यों दूं। उल्टा 5G पे तो जो डेटा है वो और ज्यादा तेजी से कंज्यूम होगा, कंज्यूमर का और ज्यादा घाटा है। तो वी ना अभी करंटली एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है जहां पे वो कह रहे हैं कि 4G उनको बूस्ट करना है, लेकिन 5G पे पूरी जल्दी से इतना शिफ्ट करें कि नहीं, इसमें एक्चुअल यूज केस जब तक नहीं दिख रहा तब तक थोड़ा सा डाइस ही चल रहा है मामला। आपको क्या लगता है इस बात के ऊपर? मुझे काफी सेंसिबल लगी ये बात, भाई मैं एक्स्ट्रा पैसे देके सेम एक्सपीरियंस क्यों ही लेने लगा। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगली अपडेट जियो की तरफ से, अगर आप एक जियो का एयर फाइबर देख रहे हो अपने लिए लेने के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी ये है कि जियो यहाँ पे शायद आपको 3599 वाला पूरे साल का प्रीपेड प्लान फोन के लिए वो हो सकता है फ्री में दे दे। सो सीन ये है कि छोटा सा स्टार लगा हुआ है ऊपर एंड यहाँ पे जो वर्ड है वो इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, वो विन लिखा हुआ है, विच मींस कि आप जीत सकते हो एक कनेक्शन जो 3599 रुपए सालाना वाला रिचार्ज है। अब कैसे जीतोगे, क्या है पता नहीं, लकी ड्रॉ निकालेंगे, रैंडम यूजर्स को चुनेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई हैं, लेकिन अभी ये मैसेज फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है। अगर एयर फाइबर लेने वाले थे इसी वीक में तो थोड़ा रुक जाओ जब तक ये चीज पूरी क्लियर हो जाए। अभी जो है वो जियो एयर फाइबर 50 रुपए में बुक हो रहा है एंड अगर आपने बुक करा के फिर माइंड बदल दिया या फिर फीजेबल नहीं है जगह, तो आपको वो 50 रुपए भी वापसी मिल जाते हैं। लेकिन बात वही है, जिसके यहाँ वायर पहुंच सकती है उसके लिए एयर फाइबर बिल्कुल बकवास है। अगली अपडेट
एयरटेल की तरफ से है। एयरटेल ने अपने पेमेंट्स बैंक के अंदर एक फेस मैच नाम का फीचर इंट्रोड्यूस किया है। सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे बचने के लिए यहाँ पे काइंड ऑफ एक फेस आईडी या फिर हम फेस अनलॉक वाला जो फीचर यूज करते हैं ना फोन के अंदर, कैमरा को यूज करके ये हमारे फेशियल रिकग्निशन यूज करेंगे एंड साथ ही साथ बैकग्राउंड में कुछ और चेक्स भी चलेंगे, जैसे कि इस पर्टिकुलर यूजर का लोकेशन क्या है, पैटर्न क्या है, ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट्स की करता है। अब ये बेसिकली किया इसलिए किया है कि बाय चांस कोई और टेक ओवर कर ले हमारा अकाउंट गलती से, कोई अगर हमारा ओटीपी डाल के एयरटेल का हमारा लॉगिन कर भी ले तो वो ट्रांजैक्शन तभी पास होगी जब फेशियल रिकग्निशन के साथ में बाकी सारे बैकग्राउंड चेक्स ओके होंगे। अगर नहीं होंगे तो इंस्टेंटली हमको मैसेज आ जाएगा रजिस्टर्ड नंबर पे कि भाई ये ट्रांजैक्शन होने की कोशिश कर रही है, या तो आप इसको खुद से वेरीफाई करो या फिर नियरेस्ट एयरटेल स्टोर पे जाके वहां पे बायोमेट्रिक्स अपनी कंफर्म करो जिससे कि ट्रांजैक्शन आगे जाए। एक तरीके से देखा जाए तो सही है, लेकिन अगर ये जैसे इंटेंड किया गया है वैसे काम नहीं किया तो ये एक मेजर फेलियर हो सकता है। अभी अच्छी बात यह है कि इसको आप अभी बाय योर विश एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर, चेक करके देखना काम करना स्टार्ट किया या नहीं। अगली अपडेट की बात करूं तो वो आती है जियो की तरफ से एंड जियो ने रेगुलर टीवीज के ऊपर अपना जियो टीवी प्लस जो है वो देना स्टार्ट कर दिया। आप यहां पे देख सकते हो जियो टीवी प्लस एंड इसको आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो। अब सिस्टम क्या है कि ये अवेलेबल सिर्फ उनके लिए जिनके पास एयर फाइबर या फिर फाइबर का कनेक्शन ऑलरेडी है, वो भी सिर्फ जियो का। तो मेरे पास यहाँ पे तो कनेक्शन है नहीं, लेकिन आप में से जिस जिसके पास है वो लॉग इन करके देख लो। पहले क्या है, जियो सेटअप बॉक्स चाहिए होता था जियो टीवी प्लस ऐप को एक्सेस करने के लिए, लेकिन अब इन्होंने अवेलेबल कर दिया है नॉर्मल ऐप स्टोर पर। एक चीज मैंने नोटिस करी कि रिव्यू रेटिंग्स अभी अच्छे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है ये ऐप अभी के लिए, तो हो सकता है डेवलपर्स को थोड़ा और काम करना पड़े। अगर आप ऑलरेडी एक जियो फाइबर के यूजर हो तो चेक करके बताना, नीचे कमेंट करके बता देना जिससे बाकी लोगों को पता चल जाए कि भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं। अगली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से है एंड बीएसएनएल का अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक और लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस वीक शायद आपको फ्राइडे सैटरडे तक आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो मेक श्योर आप स्टे ट्यून्ड रहना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएसएनएल का जो 1 लाख साइट्स का टारगेट था ना इस साल के एंड तक, उसमें से 25,000 कुछ साइट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से 1500 से ज्यादा 4G के टॉवर्स लास्ट 2 हफ्तों के अंदर यूपी ईस्ट सर्कल के अंदर लगाए गए हैं। तो अगर आप यूपी ईस्ट टेलीकॉम सर्कल के अंदर फॉल करते हो तो अपने एरियाज के आसपास जरूर से चेक करना, बीएसएनएल थोड़ा सा और बेटर खुशबू दे रहा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्टूबर की डेट ऐसी बताई जा रही है कि ये अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे 1 लाख साइट्स का। अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बीच में सिर्फ एक सितंबर है और अक्टूबर मिड भी पकड़ लो, तो 45 टू 50 डेज में 75% गैप फिल करना बात करने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन लेट्स सी कितना ग्राउंड रियलिटी में हो पाता है। अच्छी बात यह है कि डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है बीएसएनएल को लेके। आज की जो फाइनल टेलको अपडेट है वो भी अगेन बीएसएनएल की तरफ से, एक काफी इंटरेस्टिंग इन्होंने प्रीपेड प्लान लॉन्च करा है जो कि है 997 का, होश उड़ा दिए बाकी ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स के। एंड ये 997 में आपको 3 नहीं 4 नहीं 5.5 महीने का वैलिडिटी मिलती है, 160 दिन, एंड डेटा भी हल्का पतला नहीं है, 2 GB per day का डेटा आपको मिलता है यूज करने के लिए 4G के ऊपर, अगर 4G का टॉवर लग चुका है तो, नहीं तो 3G चलेगा। लेकिन वाकई आप जब इसको कंपेयर करोगे ना दूसरे प्लान्स में तो बाकी जियो एयरटेल वाला 1000 रुपए में सिर्फ 80 दिन 85 दिन 90 दिन तक दे रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल 160 दिन 5.5 महीने, बहुत जबरदस्त प्लान लगा मुझे। स्पेशली मेरा ये एक प्लान इसमें खत्म होने वाला है तो मैं सोच रहा हूं इसी को ही रिचार्ज कर लूं, 6 महीने की ऑलमोस्ट छुट्टी। एंड अब चलते हैं अपने टेक सेगमेंट के ऊपर। जो पहली अपडेट टेक सेगमेंट की है वो आती है आईफोन 16 को लेके। तो आईफोन 16 की जो रिलीज डेट है वो कहीं कहीं से आउट हो गई है कि सितंबर 10th को आईफोन 16 सीरीज लॉन्च हो सकती है एप्पल के थ्रू, एंड इसके साथ में आपको नए एयरपॉड्स भी देखने को मिलने वाले हैं, साथ में एप्पल वॉच के जो मॉडल्स हैं नए वाले एप्पल वॉच 10 सीरीज आपको देखने को मिल सकती है सितंबर 10th को। मैं सोच रहा हूं आईफोन 16 के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, साथ में पिक्सल अभी लॉन्च हुआ है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि यार फोन्स के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए जाएं, थोड़े से बहुत रेपिटेटिव हो रहा है ये टेलीकॉम वगैरह, तो थोड़ा सा कुछ नया ट्राई आउट किया जाए। तो फोन्स के ऊपर बहुत जल्दी वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। अगली जो अपडेट आती है वो आती है टेलीग्राम की तरफ से एंड टेलीग्राम के जो सीईओ है पेरल ड्यूरोव, ये एक रशियन बंदे हैं, एंड टेलीग्राम अब जो
है ना वो दुबई बेस्ड हो गई है, पहले रशिया में कुछ गवर्नमेंट कंप्लायंसेस इन्होंने फॉलो नहीं किए, मना कर दिया, तो वहां से शिफ्ट कर दिया सब कुछ दुबई। सो इनको फ्रांस में पेरिस के एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया जब ये अपने प्राइवेट चार्टर प्लेन से आगे कहीं फ्लाई करने वाले थे। लेकिन वहां पे फ्रांस की यानी फ्रेंच मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इन्होंने पुलिस के कुछ ऑर्डर्स नहीं माने, पुलिस ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि टेलीग्राम पे बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज के मैसेजिंग हो रही है जो आप अनडिटेक्टेडली पास होने दे रहे हो, इसके ऊपर टेलीग्राम का कोई कमेंट नहीं आता, कोई उसके ऊपर काम नहीं करते, कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही, जिस वजह से इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका यह है कि रशियन यूक्रेन वॉर में भी टेलीग्राम का बहुत यूज हुआ। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की वो एंड उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो टेलीग्राम को ज्यादा यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, एंड रशिया भी बहुत सारे जो न्यूज है वो टेलीग्राम के थ्रू स्प्रेड करता था, एंड कुछ खबर खींचनी होती है तो वो भी वहीं से ही होती है। अगली अपडेट और ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आती है ब्लैकबेरी की तरफ से, यूं कहूं व्हाट्सएप की तरफ से। सो बीबीएम मैसेंजर के जितने लवर्स हैं ना वो इस वीडियो को ठोक के लाइक कर दो, क्योंकि आपका सपना जो था ना बीबी पिन वाला जो बहुत फेड आउट कहीं पे हो चुका है, वो अब दोबारा से आप व्हाट्सएप पे कर पाओगे, क्योंकि व्हाट्सएप को ऐसा स्पॉट किया गया है कि एक नए फीचर्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है जिसको ये बोल रहे हैं यूजर नेम पिन। ये बेसिकली वही पिन है जो बीबीएम हमको पिन मिलता था, जब हम किसी से शेयर करेंगे तभी वो हमको एक्सेस कर पाएगा। सो बेसिकली क्या है कि पहले आप अपना एक यूजर नेम बनाओगे, जैसे टेलीग्राम के ऊपर बनता है @ करके, आप जो भी अपना नाम लेना चाहो वो यूजर नेम बना लेते हो। जैसे मैंने अपना बना लिया @sarcasticsindi, एंड इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि कोई रैंडम लोग मुझे टेक्स्ट ना करें तो मैं एक पिन जनरेट कर लूंगा जो मैं अपने मिलने वाले लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि भाई ये मेरा यूजर नेम है एंड ये पिन है, सीधा मेरे को टेक्स्ट कर दे, हम कनेक्ट व्हाट्सएप पे ही हो जाएंगे। लेकिन बीच में एक फायरवॉल खड़ी हो जाएगी कि जो चाहेगा उसी के ही मैसेजेस एक दूसरे को जाएंगे, इससे अनवांटेड स्पैम भी काफी सारा रुक जाएगा ऐसा मुझे लगता है। एंड दूसरा फीचर व्हाट्सएप का यहाँ पे टेस्ट हुआ है कि यहाँ पे थीम्स को ये लोग टेस्ट आउट कर रहे हैं, iOS के ऊपर ही अभी पता चला है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा दूंगा। चैट थीम्स आप सिलेक्ट कर पाओगे, पिकर यहाँ पे दे देंगे बहुत सारे प्री मेड थीम्स के साथ, तो आप चूज कर सकते हो कि कौन सी थीम आपके लिए अच्छी लग रही है। आई नो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होती चली जा रही है, लेकिन आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है अगेन मेटा की तरफ से। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक मेटा की VR रिलेटेड न्यूज है जो कि टेक में है, एंड वो यही न्यूज है। सो बेसिकली मेटा ने अपने एप्पल का जो विजन प्रो उसका राइवल ये लोग काम कर रहे थे जो 2027 में बताया गया था कि लॉन्च हो जाएगा, अब उसको एकदम से अब्रप्टली रोक दिया गया, उसकी डेवलपमेंट रोक दी। एक मीटिंग हुई इनकी एज पर रिपोर्ट्स, मतलब मैं तो नहीं गया था ना मीटिंग में, बात तो सही है। एज पर रिपोर्ट्स इनकी एक मीटिंग हुई प्रोडक्ट के ऊपर, एंड उसके बाद इंस्टेंटली मना कर दिया गया कि भैया इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दो, इसके ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट मत करो, क्योंकि बताया जा रहा है रीजन कि भाई इनके जो क्वेस्ट की जो सेल्स हैं, मार्केटिंग टीम है, जितना भी सब खर्चा लगा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। क्वेस्ट 2 अभी भी शायद US की प्राइसिंग के हिसाब से 15,000 से 20,000 का बिक रहा है, एंड क्वेस्ट 3 जो है वो अराउंड $500 या कह लो कि 40,000 के आसपास का मिल रहा है। हालांकि मार्क ज़ुकरबर्ग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि मिक्स्ड VR और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आएंगी आगे, एंड इसके ऊपर ये लोग काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको रोक दिया गया है। साथ में ये भी नोट करने वाली बात है कि एप्पल का विजन प्रो भी कोई बहुत ज्यादा बिका नहीं, सिर्फ रिव्यूअर्स वगैरह ने जरूर खरीदा होगा, कुछ बहुत ज्यादा टेक एंथुजियास्ट होंगे उन्होंने खरीदा होगा, क्योंकि 3.5 लाख रुपए का आपका एक VR हेडसेट कितनी देर चला लोगे भाई। एक तो स्टैट्स ये भी आए थे कि 90% लोगों ने एक या दो बार के बाद से उसको ज्यादा पहना नहीं है, तो वो फालतू पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। इवन एप्पल का भी बहुत मेजर डाउट है कि आगे वो उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट करेंगे भी या नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट करके बताओगे। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही था, भूलना मत स्किनली पे बहुत जबरदस्त सेल लगी हुई है, क्लियरेंस सेल भी है, एंड फ्रेश डिजाइन भी बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, जाके देख लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे सार्कास्टिक एंड गुड बाय।